हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसके व्लॉग। और शुरू हो गया है नजफगढ़। आज इवनिंग में मैं ऑफिस से आते वक्त मेरा मन किया कि एक व्लॉग बनाना चाहिए। बहुत दिन हो गए नजफगढ़ का कोई वीडियो नहीं आया है, तो मैं लेके निकलता हूँ वेरूपाज को। चले रवि, चलो। ओके ओके बाय। तो चलते हैं और देखते हैं नजफगढ़ विद RS 200 और मेरी नज़रों से। ये है अप्रीला का शोरूम, ये पुरानी सब्जी मंडी जो कि मैंने आपको दिखाई थी कि कहाँ पहुँच गए। काफ़ी भीड़ भाड़ है नजफगढ़ में। ए मोड़े, एकदम मोड़ अप मंदा। ये देखो अभी भी पहुंच रखे हैं पुलिस वाले बेचारे, सुबह शाम घूमते रहते हैं लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है अपने नजफगढ़ वाले। ये गेट बन रहा है अभी, सोम बाजार की जहाँ से एंट्री होती है मंडी के रास्ते से, पूरा बंद कर रखा है। साइड से लोग निकले जा रहे हैं। और अपन को क्या करना है, अपन को पूरा नजफगढ़ का आउटर दिखाना है आपको। शाम के बजे हुए हैं 5:30 और मैं जा रहा हूँ ऑफिस से अपने घर। हालांकि ये मेरे लिए थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन मुझे बनाना था एक ब्लॉग नजफगढ़ के ट्रैफिक के लिए, क्योंकि नजफगढ़ का ट्रैफिक सब जगह जाना चाहता है कि नजफगढ़ में कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अपनी RS चल रही है मक्खन। ये कट गया चलान, मैडम जी ने दिया है काट। तो देखा आपने एक आंटी को नजफगढ़ में जगह जगह खड़ी हुई है पुलिस जो कि काट रही है विदाउट मास्क वालों का चलान। भगवान श्री कृष्ण द्वार। जाम है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे जाम है, पर चल रही है गाड़ियाँ, उड़ रही है धूल। लाइक और सब्सक्राइबर मेरे चैनल को करना ना जाना आप लोग भूल। वाह, उत्तम नगर की और ये डिस्पेंसरी आ गई है नजफगढ़ की। और यहाँ पर आप पौधों की प्योध ले सकते हैं। वो प्योध तो आप समझ ही गए होंगे, जब पौधा छोटा होता है वो यहाँ से मिल जाता है आपको इजीली। 4-5 दुकानें हैं। ये हम पहुँच गए हैं दिल्ली गेट जहाँ हमारे स्कूल हैं, मेन जाम का यही है। यहाँ पर भी देखो कुछ चालान कट रहे हैं, खड़े हुए हैं। अभी तक सिर्फ चलते हुए 2 किलोमीटर हमने काटे हैं लेकिन उस दौरान कम से कम 4 जगह हमें पुलिस वाले मिले हैं। ये देखिए दिल्ली गेट, गौशाला स्टैंड जो कि हमेशा भीड़ भाड़ वाला रहता है। ये नजफगढ़ की गौशाला, विश्वकर्मा द्वार। ओवरऑल जाम बहुत हद तक कम हुआ है, ये मानो। ये पुलिस वाले हर जगह खड़े हैं, जगह जगह खड़े हैं, जाम नहीं लगने देते हैं। छावला स्टैंड, सब्जी मंडी, अग्रवाल स्वीट्स। ये वाला अग्रवाल स्वीट्स सबसे पुराना है नजफगढ़ में। हम छोटे छोटे थे
ओ एवेंजर। यहाँ पर ये गाड़ी वाले फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, इनकी वजह से भी काफी जाम लगता है। चलो हम थाने के सामने से चलेंगे। ये छावला स्टैंड आ गया है। काफी खाली खाली है। कोरोना ने नजफगढ़ का तो बहुत कुछ बदल दिया है। मोमोज वाला ऐसे भी सब जानते होंगे नजफगढ़ में, जो भी है नजफगढ़ के तो सभी लोग इस मोमोज वाले को जानते होंगे। इसके पास तो हमेशा ही भीड़ रहती है। हवेली रेस्टोरेंट। हाँ, ये कुछ उल्टी सीधी गाड़ी चलाने का नतीजा। ये आ गया है। ये देखो नजफगढ़ थाना पुलिस स्टेशन नजफगढ़। यहाँ पर भी खड़े होंगे पुलिस वाले, लेकिन अब यहाँ नहीं है। चलो ये कुछ सही नहीं चला रहा है, इसलिए मैं इससे पीछे ही रह रहा हूँ। काफी खाली खाली हो गया है नजफगढ़। एक टाइम होता था नजफगढ़ में बहुत भीड़ भाड़। अभी भी है लेकिन जाम नहीं लगता। ये सबसे अच्छी बात है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि नजफगढ़ में अब वो वाली बात नहीं है कि इतना जाम लगे। देखो बाइक ही बाइक। ओ केटीएम मैन, बंदा और बंदी चिपके हुए हैं और हमें मुड़ना है वरना हम इनसे है। ओ भाई क्या कट मार रहा है वो भाई। ये देखो भरत क्षेत्र। चलो गाइस चलते हैं अपने घर। ये देखो अब ये नया चालू काम हो गया है, ये गाड़ियां सब इधर लगा देते हैं जबकि ये कोई पार्किंग नहीं है। ओ शादी हो रही है। अपनी RS और सामने से एक आया वो 5 मान क्या चलती है।